हाय फ्रेंड्स, मैं प्रशांत लूक, मैं एक सिरामिक इंजीनियर हूँ, जैसा चैनल का नाम है सिंपली अबाउट द टाइल्स। हमेशा कोशिश रहेगा सिंपल वे में आपको टाइलों के बारे में इन्फॉर्मेशन देता रहूँ। आज मैं आपको इस वीडियो में डबल चार्ज विट्रीफाइड टाइल्स 2 फीट बाय 2 फीट का, अगर आप डायरेक्ट मॉर्बी जाकर परचेस करने के लिए जाओगे, अदरवाइज अगर आप आपके एरिया में जो भी रिटेलर रहेगा, दुकानदार रहेगा, उसके पास अगर आप परचेस करने के लिए जाओगे तो आपको टेंटेटिवली आपको क्या प्राइसिंग में आपको मटेरियल मिलेगा उसके बारे में आपको ब्रीफ करने के लिए कोशिश करूंगा। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए नहीं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं जब भी नए वीडियो बनाऊँ तो डायरेक्ट आपके पास पहुँचे। प्राइसिंग के बारे में आपको बताऊँ फ्रेंड्स, उससे पहले आपको कुछ अपडेट्स के बारे में बताऊँगा और उसके बाद आपको डबल चार्ज के बारे में आपको थोड़ा सा ब्रीफ करूँगा। अपडेट्स की अगर मैं बात करूंगा तो देखिए फ्रेंड्स, आने वाले एक आध महीने के अंदर अभी मैं मॉर्बी में रहूंगा। एवरी मंथ 8 से 10 दिन मैं मॉर्बी में रहूंगा फ्रेंड्स। मेरा काफ़ी दिनों से कुछ कंपनियों के साथ मेरा टाई अप चल रहा था, ऑल ओवर इंडिया में मेरा सप्लाई करने का अभी मैं कुछ प्लानिंग कर रहा था। तो वॉल्टाइल में आपको 10-15, 10-13, 12-18, 2x1 में फ्लोटल में, 2x2 में आपको, 800-800 में, 2x4 में आपको डबल चार्ज, नैनो, जीवीटी, पीजीवीटी, आपको जो भी अलग अलग साइजेस के जो टाइलें मार्केट में मिलेगा वो सभी सप्लाई करने के लिए कोशिश करूंगा। अगर आपका खुद का घर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, अगर आपका मिनिमम एक ट्रक लोड का अगर आपका क्वान्टिटी है, अगर अदरवाइज अगर आप एक खुद दुकानदार हो, अगर आपको एक बेटर वे में एक अच्छा मटेरियल को अगर आप सर्च करें तो बिल्कुल मैं वो एक ड्यूरेबल मटेरियल को अच्छे कॉस्टिंग में देने के लिए मेरा अभी भी वहाँ पर कुछ कंपनी के साथ बात चल रहा है फ्रेंड। जैसे मेरा पूरा फाइनलाइज हो जाएगा मैं डायरेक्ट मॉर्बी जाकर वहाँ से आपको वीडियोज़ बना के जो भी टाइल का क्वालिटी रहेगा, प्राइस रहेगा, जो भी रहेगा आपको ओपनली बताकर आपको एक अच्छा क्वालिटी का मटेरियल सप्लाई करने के लिए बिल्कुल कोशिश करूँगा। देखिए, काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं कि मॉर्बी में मैं कहाँ से लूँ सर, आप बताइए, जो भी कंपनी बताएंगे वहाँ से लेंगे करके। देखिए क्या होता है, बेसिकली आई एम फ्रॉम पुणे, मैं रहता हूँ पुणे महाराष्ट्र से। देखिए मैं हूँ महाराष्ट्र में, मैं अगर बताऊँगा कोई कंपनी का, अगर आप वहाँ पर जाओगे कुछ मटेरियल लोगे, अगर आपको जो भी मटेरियल में अगर इनकेस अगर कुछ भी प्रॉब्लम आ जाता है, या तो अगर आपको सर्विस का अगर इशू आता है, तो क्या होता है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो इसके लिए क्या है कि जनरली मैं कोई भी कंपनी का स्पेसिफिकली कभी भी रिकमेंड करता नहीं हूँ। तो कुछ दिनों के बाद, जैसा मैं आपको बता रहा था फ्रेंड्स, मेरा एक बार फाइनलाइजेशन होने के बाद मैं खुद मॉर्बी में रहूँगा, तो बिल्कुल उस समय में मेरा खुद का मैं नंबर दूंगा आपको, जो जो भी मैं मटेरियल डिलीवर दे सकता हूँ सभी के बारे में पूरा डिटेल में आपको वीडियो बनाकर इन्फॉर्मेशन बिल्कुल देने के लिए कोशिश करता रहूँगा। अभी मैं आपको डबल चार्ज के बारे में बताऊँगा। देखिए फ्रेंड्स, आपको डबल चार्ज विट्रीफाइड टाइल जो है सबसे ज़्यादा चलने वाला, मोर देन 90% रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स की अगर मैं बात करूँगा तो मोर देन 90% जहाँ जगह पर जो है डबल चार्ज विट्रीफाइड टाइलों को ही यूज़ किया जाता है। डबल चार्ज विट्रीफाइड टाइल जो है एक नैनो टाइल का अपग्रेडेड वर्जन है। अगर डबल चार्ज की मैं बात बताऊंगा फ्रेंड्स, तो देखिए जब भी कोई भी कंपनी अगर कुछ नाम रखता है तो उसका एक स्पेसिफिक रीज़न होता है, ऐसे नहीं कि कुछ भी नाम रख देंगे। टेक्निकली उसका नाम पड़ा था डबल चार्ज करके। देखिए डबल मतलब क्या होता है, समथिंग ट्वाइस, दो बार चार्जिंग। मतलब टेक्निकली अगर मैं बताऊंगा तो प्रेसिंग करने को चार्जिंग बोला जाता है टेक्निकली सिरामिक इंडस्ट्री में। तो जब भी आप विट्रीफाइड टाइलों को, डबल चार्ज विट्रीफाइड टाइलों को देखोगे, अगर 10 mm का टाइल रहेगा, एक तो आपका एक बेसिक बॉडी रहता है, 6 से 7 mm का बेसिक बॉडी रहेगा जैसे मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, और एक जो होता है ऊपर का 3 से 4 mm का लेयर रहता है, उसके अंदर जो है आपको डिज़ाइन बनाने के लिए अलग अलग टाइप के पाउडर को टाइलों के ऊपर स्प्रिंकल करके उसको प्रेस किया जाता है। पहले तो आपको एक बेसिक बॉडी बन गया 6 से 7 mm, उसको प्रेस कर एक बेसिक बॉडी बना दिए, सेकेंड टाइम उसके ऊपर डस्ट पाउडर को डाल के डिज़ाइन बनाने के लिए वापस उसको प्रेसिंग किया जाता है। मतलब यहाँ पर दो बार आपको प्रेस किया जाता है, उस वजह से उसको डबल चार्ज विट्रीफाइड टाइल्स बोला जाता है। यहाँ पर एक ऐड करूँगा फ्रेंड्स, देखिए काफ़ी लोगों को लगता है कि डबल चार्ज मतलब दो लेयर होता है, तो दो लेयर के टाइल जो होते हैं सिंगल चार्ज या तो पीजीवीटी टाइलों से बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल होता है। वैसा आपको काफ़ी लोगों को ऐसा कन्फ्यूजन रहता है क्योंकि दुकानदार लोग भी ऐसे बोलते हैं, लेकिन देखिए टेक्निकली ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ, मैं वापस आपको रिपीट करके बताऊँ, सिर्फ और सिर्फ डिज़ाइन बनाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ डिज़ाइंस बनाने के लिए दो बार इसमें जो है टाइलों को प्रेस किया जाता है। नैनो के बाद अपग्रेडेड वर्जन था डबल चार्ज, तो उस समय में बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी था नहीं, तो उसमें एक अलग टेक्नोलॉजी में प्रिंट करने के डिज़ाइंस बनाने के लिए मेथड रहता है जिसको डबल चार्ज बोला जाता है। बाकी डिज़ाइंस के अलावा इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको डबल चार्ज लेंगे तो उसका जो स्ट्रेंथ रहेगा, उसका जो ड्यूरेबिलिटी रहेगा दूसरे टाइलों से 10-15 साल ज़्यादा रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है।
नैनो लीजिए, डबल चल लीजिए, जीवीटी, पीजीवीटी, जो भी मर्जी, जो भी कंपनी का, जो भी विट्रीफाइड लेंगे, तो हर एक का जो विट्रीफाइड है लोगों का लाइफ स्पैन जो होता है वो हमेशा सेम ही रहेगा। डिजाइन्स की अवेलेबिलिटी की अगर मैं बात करूँगा तो देखिए, आपको डबल चार्ज में आपको लाइट सीरीज और दो डार्क सीरीज करके आपको दो सीरीज में मिलेगा। लाइट सीरीज में आपको गिन चुन कर आपको 6 से 7 डिजाइन्स मिलेगा। अगेन आपको डार्क में भी 6-7 डिजाइन ही मिलेगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ डिजाइन बनाने का लिमिटेशन होता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिजाइन्स बना नहीं सकते हम लोग। जैसे पीजीवीटी में जो मर्जी आप देखेंगे मार्बल टाइप के डिजाइन्स मिलेगा, लेकिन डबल चार्ज में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि बहुत सारे डिजाइन्स को बना नहीं पाएंगे। इसके लिए आपको जब भी लाइट कलर के सीरीज़ को अगर आप देखोगे तो आपको या तो आपको वाइट कलर में मिलेगा, पिंक कलर में, गोल्ड कलर में, ग्रे कलर में, बेज कलर में मिलेगा आपको। भले ब्रांड हो, नॉन ब्रांडेड हो, जो भी कंपनी में जाएंगे तो आपको हार्डली 6-7 कलर में लाइट सीरीज मिलेगा। एंड अगेन आपको डार्क सीरीज में आपको पिंक मिलेगा, रेड मिलेगा, ब्लैक मिलेगा, ग्रे मिलेगा, डार्क ब्लू मिलेगा आपको, डार्क ग्रीन मिलेगा आपको। उसमें भी आपको गिन चुन कर 5-6 डिजाइन में भी आपको जो है टाइलें मिल जाएगा। सीरीज़ की अगर मैं बात करूँ तो आपको डबल चार्ज में जो है ना, आपको एक तो ट्रॉपिकाना सीरीज कर कर आएगा, डायना सीरीज कर कर आएगा। अलग अलग सीरीज में आपको टाइलें मार्केट में मिलता है, डिज़ाइन पैटर्न के हिसाब से इसको सीरीज कर कर अलग अलग किया जाता है। सबसे ज़्यादा जो चलने वाला सीरीज होता है उसको ट्रॉपिकाना बोला जाता है। जैसे अभी मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ज़्यादातर कंपनी इसी टाइलों को बनाता है। अगर दूसरा सीरीज कभी अगर आपको मार्केट मिलेगा तो उसका कंज्यूमशन भी बहुत कम होता है, क्योंकि कॉस्टिंग बढ़ जाता है। एंड सेकेंड, उसका जो मैन्युफैक्चर का जो प्रोडक्शन का भी जो बनाने का प्रोडक्शन भी जो बहुत ही लिमिटेड में बनता है। तो आज मैं आपको जैसे मैं बता रहा था ट्रॉपिकाना सीरीज़ के प्राइसिंग के बारे में आपको बताऊंगा। और साइजेस की अगर मैं बताऊंगा तो आपको डबल चार्ज में 2 फीट बाय 2 फीट में मिलेगा, 32-32 में मिलेगा, 2 फीट बाय 4 फीट में भी मिलेगा, लेकिन बहुत लिमिटेड कंपनीज बनाता है। और आपको 1 मीटर बाय 1 मीटर में मिलेगा, 2.5 फीट बाय 5 फीट में भी मिलेगा आपको। लेकिन ज़्यादातर कंजुम्पशन होने वाला जो साइज़ है तो आपका 2 बाय 2 या तो 32-32 का ज़्यादातर यूज़ होता है। यूज़र्स की अगर मैं बात करूँगा तो देखिए, आपको बिल्कुल आप घर के लिए अगर आप ढूंढ रहे हो तो बेस्ट प्राइस में मैं ये बोल सकता हूँ कि मोस्ट ड्यूरेबल, मोस्ट अफोर्डेबल अगर मैं टाइल बताऊँगा, एक अपग्रेडेड वर्जन अगर नैनो के बाद की, तो आपको डबल चार्ज बिल्कुल आप घर के लिए लगा सकते हो। अगर आपका रेसिडेंशियल है तो बिल्कुल लगाइए, अगर आपका शॉप से तो भी बिल्कुल लगाइए। जैसे अभी आपका साड़ी का शॉप हो गया, देखिए जहाँ पर बहुत ज़्यादा हैवी फुटफॉल ना हो, अगर आपका कुछ भी कॉस्मेटिक का दुकान हो गया, बिल्कुल आप छोटे छोटे अगर शोरूम्स रहेगा तो बिल्कुल लगा सकते हो। सिर्फ और सिर्फ जो है हैवी फुटफॉल एरिया, जैसे मॉल्स का ओपन एरिया जो होता है, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, स्कूल्स, कॉलेजेस, जहाँ पर भी हैवी फुटफॉल का चांसेस होते हैं, वहाँ पर टाइलों को बिल्कुल लगाना सुटेबल नहीं रहेगा, क्योंकि ग्लॉसी सरफेस होने की वजह से स्क्रैचेस आने का 100% आपको चांसेस रहेगा। अभी आपको कॉस्टिंग बताऊँगा। कॉस्टिंग की अगर मैं बात करूँगा तो मैं ट्रॉपिकाना सीरीज़ की अगर मैं बताऊँगा तो जब भी आप गुजरात में जाओगे तो आपको 3 अलग अलग बेसिक प्राइजेस में मिलेगा। बेसिक प्राइस क्या होता है पहले आपको मैं बताऊँगा। बेसिक मतलब क्या होता है, कंपनी का एक प्राइस होता है बिना टैक्सेस का। टैक्सेस लगाने से पहले जो प्राइसिंग होते हैं उसको हम लोग बेसिक प्राइस बोलते हैं, उसके बाद जो भी अप्लीकेबल टैक्सेस लगेगा। डबल चार्ज ट्रॉपिकाना सीरीज 2 फीट बाय 2 फीट की अगर मैं बात करूँगा तो आपको मॉर्बी में 22 रुपये, 23 रुपये, 24 रुपये कर 3 अलग अलग बेसिक प्राइजेस में मिलेगा। 22, 23, 24 मतलब क्या है, आपको स्क्वायर फीट की मैं बात कर रहा हूँ, 22 रुपये पर स्क्वायर फीट बोलकर मिलेगा, 23 रुपये पर स्क्वायर फीट बोलकर मिलेगा, 24 रुपये पर स्क्वायर फीट में बोलकर आपको मार्केट में, जो मॉर्बी मार्केट में आपको कंपनीज ऑफर देंगे आपको। इसमें क्या होता है कि देखिए, बेसिक प्राइस के बाद आपको अप्लीकेबल टैक्सेस लगता है। अप्लीकेबल टैक्सेस में क्या क्या आएगा आपको, एक तो आपका इंश्योरेंस आएगा। उस इंश्योरेंस भी कैसा होता है कि आपको 0.3-0.4% आपको लगेगा बेसिक प्राइस पर। उसके बाद क्या आएगा आपको, 18% का GST लगेगा, ठीक है। 18% GST के बाद आपको जो भी आपका एरिया में जो भी ट्रांसपोर्ट लगेगा, जैसे 4 रुपये पर स्क्वायर फीट हो गया, 5 रुपये पर फीट हो गया, 6 रुपये, 7 रुपये, जो भी अप्लीकेबल ट्रांसपोर्ट जो रहेगा आपका, जो भी स्क्वायर फीट के पीछे जो भी 4 रुपये, 5 रुपये, 6 रुपये जो भी आपका रहेगा, वो बेसिक प्राइसेस के ऊपर ऐड होगा। वापस अगर मैं बताऊंगा तो बेसिक प्राइस उसके ऊपर जो होगा आपको इंश्योरेंस लगेगा, GST लगेगा, उसके ऊपर आपको ट्रांसपोर्ट लगेगा। तो आपको 3 प्राइस आपको मिलेगा, 22 रुपये में, 23 रुपये में, 24 रुपये करें, 3 बेसिक प्राइस में मिलेगा। अभी क्या होता है कि देखिए, आपको अगर आप लैंडेड प्राइस में बताऊंगा तो आपको अप्रोक्सीमेटली जो आपको 32 रुपये से 35 रुपये के बीच में आपको स्क्वायर फीट में बता रहा हूँ, आपको इतने बीच में आपको आपके एरिया में आपको लैंडेड मिलेगा। हो सकता है कि ट्रांसपोर्ट कम रहेगा तो आपको
₹30 में भी आज 32 के आसपास आपको आराम से जो है मार्केट में ये टाइले मिल जाएगा। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपको ₹22 का लेना सही रहेगा कि 23 का कि 24 का बेसिक का करके, क्योंकि अलग अलग बेसिक प्राइस है तो ऑब्वियस बात है कि अलग अलग कुछ ना कुछ तो अलग अलग क्वालिटी रहेगा, उसकी वजह से बेसिक प्राइस को अलग अलग किया जाता है। देखिए जो आपको मार्केट में वहाँ पर आपको ₹22 में जो आपको बेसिक प्राइस में मिलेगा, उसका अगर मैं ब्राइटनेस की बात करूँगा तो खासकर क्या होता है डबल चार्ज में, क्या होता है कि आपको डिपेंड अपॉन ब्राइटनेस ऑफ अ टाइल, एक तो ब्राइटनेस कितना है आपका और उसके अंदर जो प्रिंट से आपको जो भी डिजाइन कितना प्रोमिनेंटली आपको दिख रहा है, कितना आपको खुलकर दिख रहा है, उस हिसाब से प्राइसिंग वेरी होता है। जो सबसे स्टार्टिंग में आपको जो ₹22 मिलेगा उसका जो ब्राइटनेस रहेगा थोड़ा सा डल रहेगा, जैसे अभी मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, और उसमें डबल चार्ज का जो एक्चुअल में जो उसका फील आना चाहिए उतना दिखेगा नहीं आपको। इसके लिए आपको एक तो बॉडी डल रहेगा, आपको थोड़ा सा आइवरी टोन में रहेगा और उसमें डिजाइन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली दिखेगा नहीं, तो आपको 22 में मिलेगा। 23 की अगर मैं बात करूँगा तो हल्का सा आपको एक मिड रेंज में आपको ब्राइटनेस मिलेगा, और मैं 24 का बेसिक का अगर मैं बात करूंगा तो आपको बहुत ही बेहतरीन, आप समझिए कि एकदम आपको ब्राइट मिलेगा आपको, और उसमें आपको जो डिजाइन्स भी रहेगा ना आपको बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंटली दिखेगा आपको। डबल चार्ज में हमेशा याद रखिए, क्योंकि अपने शोरूम पर भी आकर लोग बोलते हैं कि नहीं सर डबल चार्ज वहाँ पर भी बिक रहा है, तो वो लोग इतना कम प्राइस बोल रहे तो यहाँ पर इतना कम प्राइस बोल रहे, तो मैं भी कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ कि कौन सा लूँ करके। जब भी आप प्राइस को देखोगे तो हमेशा पहले टाइल को कंपेयर कर देखिए, जितना ब्राइटनेस कम रहेगा उसका कॉस्टिंग उतना ही कम रहेगा, जितना ब्राइटनेस आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा डबल चार्ज विट्रीफाइड टाइलों में उसका उतना ही आपका कॉस्टिंग बढ़ना शुरू हो जाता है। आपको और एक प्राइस भी मिलेगा आपको ₹21, तो कभी कभी आपको ₹21.50 कर भी आपको बेसिक में मिलेगा, जो वन टाइम का मटेरियल मिलता है आपको, अगर वैसा कुछ मिलेगा तो आपको थोड़ा सा प्राइसिंग कम होने का चांसेस रहता है। अदरवाइज आपको मॉर्बी में आपको ₹22, ₹23 और ₹24 कर आपको तीन बेसिक प्राइस में आपको ट्रॉपिकाना सीरीज़ का 2 फीट बाई 2 फीट के टाइलें मिलेगा, डिपेंड अपॉन आपका सरफेस का ब्राइटनेस के हिसाब से आपको जो है वहाँ पर प्राइसिंग आपको अलग अलग मिलेगा। तो कभी भी कोई भी अगर आपको प्राइसिंग बताएगा तो देखिए ऐसा नहीं होता है कि हर एक डबल चार्ज सेम ही होता है करके, जैसे आपको बताया कि क्वालिटी अलग अलग होता है, हो सकता है कि जो 22 में उधर मिलता है उसका थिकनेस भी थोड़ा सा कम आ जाए, उसका थिकनेस हो सकता है कि 7 से 7.5 mm हो सकता है, आपको 24 में जो मिलता है ज़्यादा बेसिक में उसका जो थिकनेस होता है 9 to 9.5 भी हो सकता है, तो डिपेंड अपॉन थिकनेस होगा। खासकर आपको ब्राइटनेस के हिसाब से जो है आपको अलग अलग कंपनीज में आपको अलग अलग प्राइजेस में जो आपको डबल चार्ज विट्रीफाइड टाइल्स आपको मिलेगा। कोशिश किया फ्रेंड्स आपको कि डबल चार्ज के बारे में आपको थोड़ा सा ब्रीफ करूँ और क्यों प्राइस में वेरिएशन होता है करके। कोशिश करूँगा फ्रेंड्स अगले वीडियो में आपको 2 फीट बाई 4 फीट के टाइलों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए। अगर आपको मेरा वीडियोस अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।